आप लोग भी पाकिस्तान से बाय रोड ईरान और अजरबैजान जाना चाह रहे हैं मेरी तरह, तो भाईजान ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। जब मैं लाहौर से पहुंचा ईरान के बॉर्डर तबरेज पे और अजरबैजान एंटर होने लगा था, तो भाईजान मुझे लगा पता कि आज है बॉर्डर बंद। तो यकीन करें मुझे बड़ा दुख हुआ कि बॉर्डर बंद है। ईरान से अजरबैजान आप सिर्फ जो है बाय एयर जा सकते हैं, बाय रोड नहीं जा सकते। अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है वीज़ा होने के बावजूद भी आप अजरबैजान बाय रोड नहीं जा सकते, तो सिर्फ ईरान घूमें, ईरान को एक्सप्लोर करें, ईरान की सैर करें। अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा बेट आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तो मैं रिसेंटली अपना जो मेरा पेज है हमजा बेट ब्लॉग्स के नाम से, उस पर मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ काफ़ी, जो मैं पाकिस्तान से ईरान और अजरबैजान निकला था बाय रोड, तो सडनली मेरा जो मोबाइल था वो ख़राब हो गया और काफ़ी डेटा ऐसा है जो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाया। जो मैं लाहौर से जो मेरा ईरान तक का सफ़र था, तो जो मेरे कैमरा में जितनी वीडियोस थी वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरा मोबाइल है वो भी ठीक हो जाए, क्योंकि जो मज़ेदार मेरा स्टार्टिंग जर्नी थी लाहौर लारी अड्डा से ईरान तक, वो मेरा मोबाइल में है सारा डेटा। और मोबाइल मेरा जो है उसको कोई मदरबोर्ड का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, इंशाल्लाह उम्मीद है ठीक हो जाएगा। तो वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि आप लोगों ने बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि मेरी वीडियोस देखने के बाद मुंह उठा के प्लान बनाया ईरान का वीज़ा लगवाया, अजरबैजान का वीज़ा लगवाया और निकल गए। अगर स्पेशली आप बाय रोड जा रहे हैं, अगर तो आपने बाय एयर जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ईरान से बाय एयर भी अजरबैजान जा सकते हैं। मगर आप अगर मेरी वीडियोस देखने के बाद ये प्लान कर रहे हैं कि आप बाय रोड अजरबैजान जाएंगे, तो माजरत के साथ अजरबैजान ने पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल जो बाय रोड जो लैंड बॉर्डर्स हैं ज़मीनी रास्ते, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट्स के लिए बंद किए हुए हैं, बाकी नेशनल्स में वो जा सकते हैं। अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और वीज़ा भी अजरबैजान का, तो आप अजरबैजान में बाय रोड एंटर नहीं मार सकते, वो आपको बोलेंगे ईरान से तहरान से जो है बाय एयर टिकट करवा के अजरबैजान जाएँ। तो ट्रांजिट वीज़ा लेने की बजाय ईरान का आपने जो 7 दिन का वीज़ा लेना है और डबल एंट्री वाला लेना है और महंगा लेना है, आपकी ये मतलब कोशिश होगी कि अजरबैजान जाएं बाय रोड, तो आप अजरबैजान बाय रोड नहीं जा सकते। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यह है कि अगर आप लोग बाय रोड घूमना चाह रहे हैं, कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, पहली दफ़ा किसी दूसरे मुल्क जाना चाह रहे हैं, घूमने फिरने व्लॉग्स बनाने, वीडियोज़ बनाने, पिक्चर्स बनाने, एक एक्सपोयर करने के इंटरनेशनल, हम किसी और दूसरे मुल्क में जाते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, तो आप सिर्फ ईरान में जाएँ। ईरान इतना बड़ा मुल्क है, इतना खूबसूरत है, वहाँ पे आप ज़ियारत पे जाएँ, मस्जिद जाएँ, कुम जाएँ, फिर ज़हदान जाएँ, तहरान जाएँ, काशान जाएँ, फिर जो है तबरेज़ जाएँ, उसकी नॉर्थ साइड इतनी खूबसूरत है, मेहमान नवाज लोग हैं। तो आप पहले जो है ईरान को एक्सप्लोर करें, 30 दिन का वीज़ा लें और जाके एक्सप्लोर करें, ईरान में घूमें फिरें, बजाय आप वहाँ से प्लान बनाएं बाय रोड जाने का, तो वो आपका सारा टाइम ट्रैवल में गुजर जाएगा, आप ना ईरान देख पाएंगे ना अजरबैजान देख पाएंगे। तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ बॉर्डर पे जब पहुंचा अजरबैजान के, तो वहाँ पे बॉर्डर बंद था, मैं भी ऐसे यूट्यूबर्स की वीडियो देख के पहुंच गया था, तो बॉर्डर बंद था आगे, बड़ा दुख हुआ कि 4-5 दिन सफ़र करके यहाँ तक पहुँचा इतने पैसे लगा के। तो आप लोगों ने ऐसी गलती नहीं करनी, आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि सिर्फ ईरान का वीज़ा लें। लाहौर से मिल जाता है यार 4-5-6 हज़ार रुपये के अंदर अंदर वीज़ा मिल जाता है आराम से, अर्जेंट भी मिल जाता है 1000-2000 ज़्यादा लगेगा, सेम डे में मिल जाता है, वैसे 7 दिन बाद मिलता है। तो जाने का बहुत ही आसान तरीका है, ईरान कैसे जाना है, लाहौर लारी अड्डे से या किसी भी तरह आप कहीं से भी हैं, मैं तो पंजाब से हूँ, लाहौर से हूँ, आपने पहुँचना है क्वेटा, क्वेटा से वहाँ से तफ्तान के लिए बस चलती है और उस बस में बैठेंगे आप, वहाँ पे तफ्तान उतरेंगे और सुबह 7 बजे जो है वो बॉर्डर खुल जाते हैं, आप एंटर हो जाएंगे तफ्तान में, थोड़ी सी तफ्तीश होगी, इमिग्रेशन वाले पूछेंगे तो अगर आपके पास वीज़ा होगा, और अगर आप जेन्युइन होंगे, डंकी वाले नहीं होंगे, तो आपको एंट्री दे देंगे। तो घूमें फिरें और एक्सप्लोर करें ईरान को। अजरबैजान जाना है तो ईरान से बाय रोड जाएं, बाय रोड जाने की गलती ना करें, बाय एयर जाएं, बाय रोड जाने की गलती ना करें, सॉरी। तो वीज़ा अगर आपने अजरबैजान का भी लगवाना है तो लगवा के जाएं, और अगर आपने आगे जाना हो ईरान से तो फिर जो है तेहरान से बाय एयर जाएं जो अजरबैजान है, लेकिन बाय रोड जाके टाइम ज़ाया ना करें, पैसे बर्बाद ना करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मेरे पेज पर नहीं है तो फॉलो कर लें, इंशाल्लाह मज़ेदार किस्म की वीडियो आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।